किसी ने बड़े कमाल की बात कही है अपने जीवन में कि इंसान बिना त्यागी अपने जीवन में कुछ भी नहीं पा सकता, चाहे वो धन दौलत ऐश आराम नेम फेम मनी कुछ भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है यार, लेकिन त्याग के बिना वो संभव नहीं। त्याग देना पड़ेगा, बलिदान देना पड़ेगा और तभी जाके होगा। सफलता बलिदान मांगती है, त्याग मांगती है। जब तक आप उसका नहीं दोगे तो तक आप तक नहीं मिलेगी। आप लोगों को लगता हो या मुझे, इवन मैं अपनी बात कहूँ, जब मैं इवन बहुत पुअर होता था, गरीब होता था, तो मेरे पास इवन कुछ में जो मेरे रिश्तेदार थे, जब मेरे डैडी होते थे, हम बहुत रिच हुआ करते थे। जब सब ने हमारा साथ छोड़ दिया, मेरे डैडी नहीं रहे, उसके बाद सब ने साथ छोड़ दिया, तो हम बहुत गरीबी में जिए। जब मैंने स्ट्रगल करके वो सब अर्जित किया, आज वही लोग मिलने के लिए अपने पास आते हैं। बट क्यों आते हैं, ये छोटी सी बातें बस मैं अपनी शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ, ताकि आप भी यार प्रेरित हो, आपको भी अपने जीवन अपने आप से ये ना लगे कि यार मैं कुछ नहीं कर पाया अपने जीवन। दोस्तों, आप अपने जीवन को लेकर ये नहीं है कि मेरे पास नहीं है, ये मत सोचिए कि मेरे पास नहीं है। अपने जीवन को लेकर ये मत निराश होइए कि मेरे पास ये नहीं है यार, मैं इससे कर पाऊँगा, इस काम को कर पाऊँगा या ना कर पाऊँगा। काफ़ी सवाल जवाब रहते हैं एक व्यक्ति के, अपने व्यक्तित्व सबसे सभी व्यक्ति की अपनी अपनी सीमाएं रहती हैं ना, सभी व्यक्ति के अपने अपने भाव विचार रहते हैं। लेकिन दोस्त, जो इंसान रातों को या सुबह कुछ भी हो, जो उसके जीवन में जो उसका एम है, गेम है, जो उसका लक्ष्य है, उसके प्रति वो त्याग करने के लिए, उसके प्रति वो बलिदान देने के लिए, उसके प्रति वो समर्पण करने के लिए तत्पर है ना, तो मैं यकीनन कहता हूँ उस व्यक्ति को हराना असंभव है। संभव तो छोड़ो, असंभव इंसानों के लिए तो छोड़ो, भगवान के स्वयं देवताओं के लिए भी संभव असंभव हो जाता है। अगर आप अपने आप को लेकर अपने प्यार अपने लक्ष्य के प्रति इतने डेडिकेटेड हो, प्रेरित हो, अपने लक्ष्य से इतना प्यार करते हो, लेकिन उसे पाने के लिए, उस सपने को पाने के लिए त्याग महत्वपूर्ण है, बलिदान देना पड़ता है, अपनी फैमिली अपना वो सब पुराना यार गम अपना प्रेजेंट जो आपका भूतकाल जो आपका बीत चुका है ना, जो आपका बीत चुका है ना, उसको सब बुलाना पड़ता है, सब छोड़ना पड़ता है, आपके जो पीछे भी हैं उनको भी अपन तक बुलाना पड़ता है, अपनी फैमिली तक छोड़ना पड़ता है अपने सपनों के लिए। क्योंकि जब तक तुम निकलोगे नहीं उस माया जाल से बाहर, उस जंजाल से बाहर, अपने सपनों पर काम नहीं करोगे, तब तक तुम ना तो अपने माइंड को रिलैक्स रख पाओगे, ना अपने बॉडी को, ना ही अपने काम को उस रिलैक्सनेस से भर पाओगे। देखो, काम मांगता है तुमसे समय, जो तुम्हारा ड्रीम है वो मांगता है तुमसे समय, प्यार, मोहब्बत, तुम्हारी लगन, तुम्हारी चाह, जो तुम्हारे अंदर सबसे ज्यादा तुमसे मांगता है प्यार, कि तुम कितना प्यार करते हो मुझसे, और ऊपर से मांगता है समय, कि तुम कितने समय तक मुझे अपने साथ लेकर चलोगे, अगर मैं तुम्हें ना भी दूं तो भी तुम मुझे करने के लिए तैयार हो। अगर वो व्यक्ति ऐसा होगा भाव से, तो यकीनन वो काम उसको इतना बड़ा बना देगा एक दिन, जितना आम इंसान सोच भी नहीं सकता, वो खुद भी नहीं सोच सकता। तो इसलिए यार, चाहे आपका घर चल रहा हो, चाहे आपका कुछ भी चल रहा हो, चाहे आपका वो ड्रीम हो, लेकिन उस इंसान उस काम को कभी भी छोटा मत समझना मेरे दोस्त। चाहे उसे करो, लेकिन आधे अधूरे मन से नहीं, उसे दिल पूरी शिद्दत से निभाओ। अगर तुम इस जिंदगी में आए हो ना, तो इस किरदार को इतने शिद्दत से निभाओ कि तुम चाहे सफल बनो ना बनो, लेकिन एक मूल्यवान व्यक्ति तो जरूर बन ही जाओगे। इतना मुझे पता है कि हर कोई इंसान एक मूल्यवान होता है, बस अपनी मूल्यता को वो पहचानता नहीं। लेकिन जब तुम जाओ ना, तो पर्दा गिरने के बाद तालियां बजती ही रहनी चाहिए हमेशा। याद रखना बात, बिना त्यागे आप कुछ भी पा नहीं सकते, बिना त्यागे जिंदगी में कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए चाहे आपको रात को जल्दी सोना हो, उठना हो, सुबह जल्दी उठिए, अपने काम पर टूट पड़िए। कोशिश करने वालों को कुछ नहीं, लेकिन कोशिश ना करने वालों को कभी कुछ नहीं मिला, कोशिश ना करने वाले को कभी कुछ नहीं मिला। और जो कोशिश करने वाले होते हैं उनके लिए असंभव कुछ भी नहीं होता। जहाँ तक आपको दिखाई दें अपने लक्ष्य, वहीं तक जाओ, एटलीस्ट वहाँ तक तो जाओ जहाँ तक दिखाई दें, फिर वहाँ से आगे देखो, अपने आप रास्ते दिखेंगे, अपने आप वेज क्लियर होने शुरू हो जाएंगे, क्रिएट हो जाएंगे मल्टीपल, आपका दिमाग अपने आप ही आइडियाज रख देगा आपके सामने। चाहे आप शेयर बाजार में हो, चाहे आप अपनी स्टडी में हो, चाहे आप प्लस टू के बाद एक स्टूडेंट हो, आपको पता नहीं आगे मुझे करना क्या है, आपके पास इवन जानो पढ़ो, अपने आप को विचार, अपने आप से विचार परामर्श करो, अपने आप को कहो कि यार मुझे कौन सा काम है, मुझे ऐसा क्या है जो करना चाहिए,
क्या नहीं है। याद रखना, आपकी डिग्री वहां व्यर्थ चली जाएगी अगर आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल एजुकेशन नहीं है। प्रैक्टिकल एजुकेशन मतलब एक्सपेरिमेंट करो, जानो, सीखो, नॉलेज लो, उसे इम्प्लीमेंट करो। आप कोई भी चीज़ सीख सकते हो इंटरनेट से, आज सबसे बड़ा साधन बन गया इंटरनेट। वहाँ से आप फटक से सीख सकते हो। जो आप USA में जाकर जो पढ़ाई सीखनी होती थी वो आज बल्कि इंडिया में ऑनलाइन है। ऑनलाइन से बड़ा साधन भी कुछ भी नहीं है। अगर ऑनलाइन है तो सब कुछ सीखा जा सकता है, इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। डिग्री मायने नहीं रखती, तुम्हारी प्रैक्टिकल एजुकेशन कितनी बड़ी है मायने रखती है। किसी व्यापार को सफल बनाने के लिए नॉलेज रो, नॉलेज को कितना इम्प्लीमेंट करते हो वो सबसे मेन बात है। विश्वास अपने आप पर रखना हमेशा। दोस्तों, तो वीडियोस देखने के लिए हमारे और भी काफ़ी वीडियोस पड़े हैं चैनल पे, उन्हें ज़रूर वॉच आउट कीजिएगा। और मैं ऐसे वीडियोस अपने चैनल पे डालते रहते हैं ताकि आपको प्रेरित कर सके, आप कुछ कर सको। जो परेशानियां, जो चुनौतियां हमने भी फेस करी हैं, लोगों को भी देखा है, वो हम आपके साथ शेयर कर सकें। धन्यवाद।